नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल फिजियो डॉक्टर शिवम सिंह का मुख्य उद्देश्य है सर्वल पाल्सी और शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। अगर आप सर्वल पाल्सी या शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं आयशा खान खलीलाबाद से, मेरा बच्चे का नाम अब्दुल्ला नवाब खान, हम खलीलाबाद से हैं। मेरा बच्चा माइल सीपी पैरालाइज बेबी था, मतलब कानपुर से हमने बच्चे को जाके वहाँ पे सब कुछ चेकअप करवाया, कोई खास ज्यादा रिस्पांस दिखाई नहीं दिया। मेरा बेटा स्माइल सीपी पैरालाइज था, जो कि जन्म से ही उसको 2 महीने के बाद से हमने रियलाइज किया कि उसकी एक्टिविटीज बहुत स्लो हो रही है। तो मैंने जो है उसको जब डॉक्टर से दिखवाया तो पता चला कि उसको वो जन्म के दूसरे ही दिन सेप्टिसीमिया था उसको, मेरे बच्चे को। तो खैर उसका इलाज काफी लंबा चला बचपन में और काफी हेल्दी और ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसमें डॉक्टर्स ने कहा कि कमी है। अब फिर मैंने उसको चेकअप फर्दर करवाया कानपुर में। कानपुर में जब दिखाया तो डॉक्टर्स ने बताया कि ये माइल सीपी पैरालाइज बेबी है, लेकिन मेरा कंटिन्यू नहीं हो सकता था इतनी दूर जाना कानपुर तक। तो मैंने जो है अब यहाँ पे डॉक्टर्स को रेफर देखा, हमने आलोक जलान सबको दिखाया, उन्होंने सेंटर पे भेजा। सेंटर का नाम अखिलेश्वर सहाय उम्मीद चाइल्ड फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर। हमने सबको दिखाया और सर ने बताया कि हमारा बच्चा सीपी पैरालाइज्ड है, तो उसकी एक्सरसाइज आपको करवानी होगी, रेगुलर करवानी होगी, क्योंकि रेगुलर ही करवाएंगे तो ही रिजल्ट आएगा। अदरवाइज ऐसे आप एक दिन करवा रहे हो फिर नहीं करवा रहे हो, इससे रिजल्ट आने वाला है ऐसे होता नहीं। लेकिन हाँ, मैंने कंटिन्यू किया वहाँ से खलीलाबाद से और गोरखपुर तक का सफर डेली किया, अप एंड डाउन। सेंटर आने से पहले मेरा बच्चा ना ही ठीक से स्ट्रॉलिंग कर पा रहा था, ना ही खड़ा हो पा रहा था ठीक से, करता था तो गिर जाता था बार बार, ना ही कमर के बल झुक के बैठना ऐसे, और मतलब सारी इस तरीके की उसके अंदर कमी ही थी, जो कि अब मैंने कंटिन्यू करने के बाद करीबन मुझे यहाँ पे 3 से 4 महीने होने वाले हैं। तो मेरे बच्चों को मैं इस सेंटर पे काफी अच्छा इस पे रिजल्ट मुझे मिलने लगा है और वो काफी अच्छा क्रॉलिंग चलने लगा है और काफी अच्छा उसने अपना रिस्पांस दिया सर के गाइडेंस में उन्होंने जब करवाया है। तो मेरे बच्चे में काफी फायदा आने लगा है, मेरा बच्चा बिना सहारे के भी अब उसकी काफी अच्छी रिजल्ट कोशिश आ गई है कि वो बेस्ट अपना देता है, बिना पकड़े चलने की इच्छा कदम बढ़ाने लगा है। जैसे हम सर के पास आए और मेरा बच्चा इतना नॉर्मली बिहेव करने लगा है, अब लगता है कि हाँ चल रहा है बच्चा सामने, खुशी होती है देख के। तो मुझे भी लगता है कि आप पेरेंट्स को सबको यहाँ पे एक बार शिवम सर को दिखाना चाहिए। जिन पेरेंट्स के बच्चों को बोलना, खाना पीना, चलना बैठना, इन किसी भी चीज़ों में बोलने में परेशानी आए तो खासतौर से सर से मिलें, इस सेंटर पे आए। आज जिस तरीके से मेरा बच्चा चलने लगा है मुझे देख के बहुत खुशी है। बच्चों में यहाँ पे आने के बाद सर की टीम, सर सबने इतनी बढ़िया से मेहनत की है और बच्चों पे ही फोकस करते हैं, फुल बच्चों के साथ लगना पड़ता है माता पिता को स्वयं, और मैं सर का और सर की पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सर ने मेरे बच्चे को इस काबिल कर दिया है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ अपने बच्चे को लेके। मेरा बच्चा चलने लगा है, अच्छे से बात कर रहा है, मतलब चल एक नॉर्मल लगता है देख के। तो मैं चाहूंगी आप भी अपने आसपास के बच्चों को पेरेंट्स अपने लेके आए, सर से एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें। सर की टीम का और सर का मेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सर की, सारी टीम की और सर की, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.